देखो यार, एक बात मैं इस वीडियो को स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप अपनी फेशियल एसिमेट्री को ठीक कर सकते हो, क्या फेशियल एसिमेट्री जेनेटिक्स होती है, कितनी फेशियल एसिमेट्री ओके होती है और कितनी फेशियल एसिमेट्री पर आपको मेडिकल को अप्रोच करना पड़ता है। ये वीडियो एक फुल पैकेज होने वाली है जो कि आपकी सारी टेंशन को दूर कर देगी। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कुछ एक्सरसाइज जिससे आप अपने फेशियल एसिमेट्री को हमेशा के लिए हटा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका फेशियल एसिमेट्रिकल है तो ये कोई नई बात नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसका फेस परफेक्टली सिमेट्री में हो। इवन बड़े बड़े एक्टर्स के फेस भी फेशियली एसिमेट्रिकल होते हैं एंड दैट्स नॉर्मल। बट नहीं यकीन हो रहा तो एक बार ये देखो, इन सबके फेस भी सिमेट्री में नहीं होते हैं। तो यार कितनी फेशियल एसिमेट्री नॉर्मल होती है और कितनी फेशियल एसिमेट्री नॉर्मल नहीं होती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपकी फेशियल एसिमेट्री आपको नोटिस हो रही है, वहीं अगर आप अपने दोस्तों को दिखाओ और वो कहें यार कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ आप नोटिस कर रहे हो इस फेशियल एसिमेट्री को और वो सिर्फ आपको दिखाई देती है। आप फोटोफोबिक हो चुके हो, आपके फोटोज में आपकी चेहरा यूं आता है, नाक कभी टेढ़ा आता है, आपको फेशियल एसिमेट्री की प्रॉब्लम माइनर पोजिशन में है, जिसके लिए मैं आज आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कितनी फेशियल एसिमेट्री आपके लिए दिक्कत दे सकती है, अगर आपको सामने वाला आके टोक रहा है कि यार तेरा फेस सिमेट्री में नहीं है, तेरा फेस टेढ़ा है, अगर आपकी फेशियल एसिमेट्री नोटिस की जा सकती है इसका मतलब आपका फेस बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिकल है और आपको शायद डॉक्टर को अप्रोच कर लेना चाहिए। अब जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो सारे प्रिवेंशन हैं, कैसे आप और फेशियल एसिमेट्री को प्रिवेंट कर सकते हो होने से। तो ये तीन पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी फेशियल एसिमेट्री आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं रुक जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज जिससे जो यहाँ पे रुकी हुई फेशियल एसिमेट्री है वो भी वापस ठीक हो जाएगी। मैं भी इस एक्सरसाइज को कर रहा हूँ और इससे मेरे को भी थोड़ा सा असर पड़ा है। पहले मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा एसिमेट्री में था, अब थोड़ा सा ठीक होने लगा है और आई होप बहुत जल्दी है पूरा तरीके से ठीक भी हो जाए। अगर आप इन तीन प्रिवेंशन को रखते हो तो आपकी और फेशियल एसिमेट्री नहीं होगी। सबसे पहला प्रिवेंशन है सनलाइट। सनलाइट एक ऐसा रीजन है जो कि आपकी फेशियल एसिमेट्री को रियलिटी में नहीं बढ़ाता, बस ज़्यादा दिखाई देती है इससे। अगर आपके एक साइड पर ज़्यादा यूवी रेज एक्सपोजर होता है तो इसके कारण एक साइड की स्किन लूज हो जाती है, जिसके कारण आपकी फेशियल एसिमेट्री ज़्यादा नोटिस होती है। ट्राई करो ज़्यादा देर आप यूवी एक्सपोजर ना लो। सेकंड चीज़ पे बात करते हैं जिसे तो यार आप बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हो, बेली स्लीप। बेली स्लीप यानी कि अपने पेट के बल सोना, जिसमें आपकी चिन आपके तकिए के अगेंस्ट होती है। ज़्यादातर ये पोजिशन आपके फेस को एसिमेट्री में ला देती है। कैसे? अगर ये आपका पिलो है तो आपका फेस अपना यूं नहीं रहता है, आपका फेस या तो यूं रहता है या तो यूं रहता है। तो एक साइड से आपका फेस पुश होता है इधर की तरफ, फेशियल एसिमेट्री आपकी बढ़ सकती है, तो इसे अवॉइड करो। थर्ड पॉइंट एक्चुअली मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। तो कई लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं एक परफेक्ट नोज के साथ, जिनमें से मैं भी एक था, और फिर मैंने थोड़े से जोश जोश में बॉक्सिंग शुरू कर दी, जो कि एक अच्छा पॉइंट था, मगर जिसमें मेरे नाक पे लगा और मेरी नाक तब से थोड़ी सी टेढ़ी रहती है। देख सकते हो आप यहाँ से ये पार्ट थोड़ा सा मेरा नाक टेढ़ा है, मैं बड़ा होकर इसके बारे में कुछ देखूंगा। अगर आपको ट्राई करना है कि आपके नाक पे चोट ना लगे, आपकी नाक इंबैलेंस हो सकता है जिसके कारण आप शायद टेढ़ा टेढ़ा हो जाए, मेरे हंसी में पड़ता हूँ उसका, उसके बाद से नोज ऐसा ही है। तो इसलिए ट्राई करो, थोड़ी इन सब चीज़ों से अवॉइड करो, गिरना मत वगैरह वगैरह, नाक टूट जाएगा, नाक टेढ़ा हो जाएगा। बस ये तो वो तीन प्रिवेंशन थे, इनमें से मेरे ख्याल से दो तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तीसरा वाला जो मेरा वाला था पॉइंट, उसको ज़रा ध्यान से रखना, उसके लिए आप शायद ज़्यादा प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, बस कोशिश करना कि आपके नाक पे चोट आपके ना लगे। देखो यार, अब हम बात करते हैं उन इंसानों के लिए जिनको मेडिकल को अप्रोच करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। फेशियल एसिमेट्री का मेन रीज़न यहाँ है, ये देख रहे हो, ये जो ही है जो आपकी फेशियल एसिमेट्री का रीज़न बनता है। अगर आपका जो टेढ़ा है तो आप सोचते हो यार मेरा फेस एसिमेट्री में है। आप कभी भी आपकी आईज, कहीं की आईज छोटी बड़ी होती है लेकिन वो ज़्यादा नोटिस में आती नहीं है, ना ही आपका नाक ज़्यादा नोटिस में आता है, ना ही आपकी लिप्स ज़्यादा नोटिस में आता। सबसे ज़्यादा नोटिस में अगर आता है तो वो है आपका जो अगर आपका टेढ़ा है, फेशियल एसिमेट्री नोटिस हो सकती है। तो ऐसा कौन से पॉइंट है जिन पे आके आपको फेशियल एसिमेट्री ठीक नहीं हो सकती, आपको मेडिकल ही हेल्प लेनी पड़ेगी, और ऐसे कौन से पॉइंट है जिस पे आपको फेशियल एसिमेट्री ठीक हो सकती है और इस एक्सरसाइज से आपकी ठीक हो जाएगी। बोन से रिलेटेड एसिमेट्री है, बोन से रिलेटेड एसिमेट्री और मसल से रिलेटेड एसिमेट्री के बारे में पता किस तरह चलता है? बहुत ईजी है यार, एक बार अभी आप टेस्ट करके देख सकते हो। ये वाला दांत और ये वाला दांत दोनों को च्यू करो बारी बारी, पहले इस वाले को च्यू करो, अगर ये आपको लग रहा है कि नॉर्मल है यार कुछ नहीं हुआ, और फिर इस वाले को च्यू करो। इस वाले को च्यू करने पे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट अगर आपके इस वाले दांत पे पड़ता है या फिर इस वाले दांत पे पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक साइड ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुकी है, यानी कि एक साइड पे आपकी मसल्स ज़्यादा बन चुकी है
और एक साइड पर आपकी मसल्स कम बनी है। इसका मतलब यह है कि आपको मस्कुलर एसिमेट्री है, ना कि बोन की एसिमेट्री। सबसे ज़्यादा कॉमन एसिमेट्री यही होती है और ये ठीक भी करी जा सकती है। सिंपली आपको अपनी दूसरी साइड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, जो कि ये वाली जो एक्सरसाइज जो मैं बताने वाला हूँ ये बना देगी। चलिए बात करते हैं वो एक्सरसाइज क्या है जिससे आपकी फेशियल एसिमेट्री ठीक हो सकती है। देखो यार, ज़्यादा कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ मैं आपको तीन एक्सरसाइज बताऊँगा। पहली एक्सरसाइज है आपकी च्यू करना। यार वही वो च्यूइंगम वाली एक्सरसाइज वो च्यूइंग वाली एक्सरसाइज जो आप करते हो। नॉर्मली आप च्यूइंगम भी उसी साइड से चबाते हो जो साइड आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण आपकी फेशियल एसिमेट्री और ज़्यादा बढ़ती रहती है। जितने भी यूट्यूबर ने आपको कहा है कि च्यूइंगम चबानी बंद कर दो, इससे आपका फेशियल एसिमेट्री बढ़ी, उसका पीछे यही रीज़न है। च्यूइंग उधर से ही करते हो जहाँ से आप नॉर्मली हर एक चीज़ च्यू करते हो। आपको क्या करना है, अपनी दूसरी वाली साइड से ही च्यू करो, खाली इस वाली साइड से च्यू करो। अगर आपकी इस वाली साइड की मसल्स कम बनी है तो इस वाली साइड को ज़्यादा ज़्यादा मस्कुलर बनाओ च्यूइंग करके इस वाली साइड से। सेकंड चीज़ आती है आपकी म्यूइंग। अब म्यूइंग पे आपको इंटरनेट पर काफ़ी सारी वीडियोज मिल जाएंगी जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ब्रेक डाउन करके बताऊँ तो आपको अपनी जीभ को ऊपर वाली तरफ टच करना है। अब जो गलतियाँ आप म्यूइंग के अंदर करते हो ये है कि आप में से बहुत लोग सिर्फ आगे वाला पोर्शन जो है ऊपर की तरफ टच करते हो, ना कि पीछे वाला। कि आपकी जीभ है तो आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन टच नहीं करना है, यहाँ तक पूरा पोर्शन टच करना है ऊपर से। यू इसे कहते हैं परफेक्ट वे फॉर म्यूइंग। और दूसरी जो गलती करते हो आप वो है कि आप अपने इस वाले पोर्शन से अपने ऊपर वाले टीथ को आगे की तरफ पुश कर देते हो, इससे आपके टीथ बाहर निकल के आ जाएंगे, आप अजीब ही वो दांतों से लगोगे, तो वो मत करना क्योंकि इससे आपको फिर और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। करते हैं तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। तीसरी एक्सरसाइज वो मेरे वाली एक्सरसाइज है जो उनसे मैं कहता हूँ करने को, तो इससे आपकी जो अच्छी तरह से डेवलप हो गए सारी मसल्स वगैरह डेवलप होंगी। मैं आपको प्रेफर करूँगा च्यूइंग गम यूज़ करने के बाद ये वाली एक्सरसाइज करें, इससे आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, नॉर्मली इस पोर्शन को आगे की तरफ पुश करो, लाइक दी चिन को आगे की तरफ लेके आना है और अपने लिप्स को ऊपर की तरफ, इससे आपकी जो लाइन भी अच्छी बनेगी और आपकी फेशियल एसिमेट्री भी ठीक होती रहेगी। देखो यार, फेशियल एसिमेट्री हर किसी को होती है और इसमें ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को दिखती नहीं है, और क्योंकि हर किसी को होती है तो ये वीडियो हर किसी के देखने लायक है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो प्लीज़ मेरी भी मदद करो, अब दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे और बहुत वीडियो आने वाले हैं जो आपको परफेक्ट बना देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड